तो दोस्तों पेटीएम को लेकर इस समय एक नया बवाल चल रहा है कि भैया पेटीएम पर बैन लगा दिया गया है। तो यह बैन क्यों लगाया गया है और इसका क्या मामला है, क्या हुआ है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि पेटीएम पर आरबीआई के द्वारा रोक लगाया गया है क्योंकि पेटीएम आरबीआई के रूल और रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहा था। आरबीआई के द्वारा पेटीएम पर अभी बस यह रोक लगाया गया है कि पेटीएम का जो पेमेंट्स बैंक है, जो उसका खुद का बैंक है और जो उसमें वैलेट है, जो पेटीएम का खुद का वैलेट होता है, उसमें आप अलग से कोई भी पैसा जमा नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसमें जो आपका पैसा है पेटीएम पेमेंट्स में या तो वैलेट में, उसको आपको 29 फरवरी से पहले ही यूज करना है। अब उस पैसे को आपको कैसे यूज करना है आपको खुद पता करना होगा, या तो किसी को भेज दो, या तो किसी को कुछ भी कर दो, या तो खरीद लो, सामान खरीद लो, फलाना ढिमकाना गर्लफ्रेंड को भेज दो या कुछ भी करो, भैया 29 फरवरी के पहले ही उस पैसे को यूज करना है आपको। और इस समय तो भैया फरवरी का महीना भी चल रहा है, तो इस समय आप समझ सकते हो कि और क्या जरूरत हो सकता है। तो आप कैसे भी करके 29 फरवरी के पहले ही उस पैसे को यूज कर लो। दोस्तों आपको बता दूं कि पेटीएम का जो ऐप है उस पर अभी बैन नहीं लगाया गया है, वह अभी चल रहा है। उससे आप यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं, किसी का स्कैन करके क्यूआर कोड किसी को पैसा भेज सकते हैं, उस पर अभी बैन नहीं लगाया गया है। और दोस्तों जो आप यूपीआई पेमेंट करते हैं किसी अदर बैंक से लिंक करके पेटीएम को चलाते हैं, तो वह सब तो आप ट्रांजेक्शन कर ही सकते हैं, उस पर कोई भी रोक नहीं लगाया गया है। अभी बस पेटीएम पर इतना रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है कि उसका जो पेमेंट बैंक था और जो उसका वैलेट है, उसमें आप अलग से कोई भी पैसा डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो पहले से पैसे पड़ा हुआ है उसको यूज करना है। लेकिन दोस्तों अब पेटीएम से अब आप थोड़ा सा सावधान हो जाओ क्योंकि यह अपना रंग दिखाने लगा है, यह अपना रंग बदलने लगा है। कुल मिलाकर पेटीएम पर अभी बस इतना रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है कि उसका जो पेमेंट्स बैंक है और उसमें वैलेट में जो पैसे रखे हुए हैं उसको आपको यूज कर लेना है, उसमें पैसा छोड़ना नहीं है 29 फरवरी के पहले ही। तो दोस्तों ठीक है, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।